सोहेंगे। तो आज हम लोग बताएंगे जो बजाज पल्सर NS 400 को लेके बात करेंगे, तो ये जो बाइक है ना कब तक इंडिया मार्केट के अंदर लॉन्च करेगा, बाइक का क्या प्राइस होगा, क्या टॉप स्पीड माइलेज सारे कुछ बताएंगे ये वीडियो के अंदर। और साथ में बताएंगे जो बाइक के अंदर क्या कुछ फीचर्स यहाँ पे गाइस अपडेट हो जाएगा वो भी हम लोग बताएंगे, सारे कुछ बताएंगे ये वीडियो के अंदर। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बजाज पल्सर NS 400 के अंदर तुम लोग बहुत कुछ यार अपडेट देख सकते हो, जैसे LED हेडलाइट प्रोजेक्टर लैंप सारे इंडिकेटर पे LED और पीछे का टेल लाइट LED गाइस सब कुछ LED और साथ में गाइस यहाँ पे डिजिटल LCD TFT मीटर एंड और भी तुम लोग को यहाँ पे अपडेट देख सकते हो। जैसे NS 400 के अंदर तुम लोग को यहाँ पे NS 400 के अंदर भाई बताएंगे बाइक का टायर साइज को लेके, सामने का टायर मतलब फ्रंट यहाँ पे 1/0x70x17 देखने को मिलेगा, रियर टायर मतलब पीछे का टायर होगा 150x60x17 देखने को मिलेगा। और बजाज पल्सर NS 400 के अंदर भाई तुम लोग को यार बहुत कुछ एडवांस फीचर देख सकते हो, जैसे तुम लोग को यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलेगा एंड 3 से 4 यहाँ पे राइडिंग मोड देखने को मिलेगा, रेन मोड, अर्बन मोड, ट्रैक मोड, स्पोर्ट मोड, आप लोगों को 3 से 4 पे राइडिंग मोड देख सकते हो। और भी तुम लोग को बहुत कुछ अपडेट देखने मिलेगा, जैसे कैसे पे बाइक के इंजन कैपेसिटी को लेके बात करेंगे तो 373 cc लिक्विड कूल 4 वाल्व का आप लोगों को यहाँ पे इंजन देखने मिलेगा। और ये जो गाइस इंजन कैपेसिटी कंपनी ने यूज किया 3 स्पार्क प्लग के साथ, और 3 स्पार्क प्लग के अंदर भाई कितना खतरनाक वाला पिकअप, खतरनाक वाला पावर यहाँ पे जनरेट करता है वो तो गाइस आप लोग जानते ही है। और बाइक का BHP को लेके बात करेंगे तो 40.1 BHP साथ में 8900 RPM के साथ, और ये बाइक के अंदर कंपनी ने यूज किया 6 स्पीड गियर बॉक्स और स्लीपर क्लच के साथ देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से बाइक देख सकते हो। और मेन जो बताएंगे बाइक का क्या प्राइस को लेके बात करेंगे तो वो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखो, प्राइस एंड लॉन्च डेट ये वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। और बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम को लेके बात करेंगे तो डुअल चैनल ABS मतलब एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और कंपनी इसके अंदर बाई ब्रेक का सिस्टम यूज किया और सुपर मोटो का ABS यूज किया कंपनी ने। और डिस्क का साइज को लेके बात करेंगे तो सामने मतलब फ्रंट यहाँ पे 320 mm और रियर पे 230 mm डिस्क का साइज देख सकते हो। और ये बाइक के अंदर कंपनी ने यूज किया डिजिटल LCD TFT मीटर, तो ये जो गाइस मीटर का जो लुकिंग है ना मेरे को तो गाइस ऑन लुकिंग लगा, तो आप लोग ऐसे लगा ऑब्वियसली एक बार भाई कमेंट करके बता देना। और गाइस अभी हम लोग गाइस बात करेंगे बाइक का हेडलाइट सिस्टम को लेके बात करें तो LED हेडलाइट प्रोजेक्ट और लैम्प साइड इंडिकेटर पे LED और पीछे का टेल लाइट भी LED, मतलब पूरा फुल इलेक्ट्रॉनिक बाइक देख सकते हो। और मेन जो बताएंगे अभी हम लोग गाइस बात करेंगे बाइक का प्राइस एंड लॉन्च डेट, प्राइस को लेके बात करेंगे तो यहाँ पे 3 लाख के ऊपर जा सकता है। अगर गाइस 3 लाख के ऊपर जाएगा तो कौन कौन बाइक करके वो भी गाइस कमेंट करके बता देना, क्योंकि भाई ये एक 400 cc का बाइक है और 400 cc के लिए तो भाई मिनिमम यहाँ पे 3 लाख तुमको पकड़ना ही पड़ेगा, 3 लाख से ऊपर जाएगा ये बाइक का प्राइस ऑन रोड प्राइस। और अभी हम लोग गाइस बात करेंगे बाइक का लॉन्च डेट को लेके, ये जो बाइक है ना 2024 के अंदर जनवरी मंथ के अंदर लॉन्च कर देगा इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर। सो गाइस आप लोग गूगल के अंदर बहुत कुछ यार न्यूज देखने मिलेगा जो कब तक लॉन्च करेगा। सो गाइस अभी ये बाइक लॉन्च नहीं होगा, 2024 जनवरी मंथ के अंदर भाई लॉन्च हो जाएगा NS 400 बजाज पल्सर RS 400। तो ये जो गुड न्यूज है ना सुन के आप लोग कैसे लगा ऑब्वियसली एक बार भाई कमेंट करके बता देना। बजाज ने यार बहुत दिन बाद जाके बिग एंट्री लेके आएगा, तो गाइस एंड कौन कौन बजाज का फैन है वो भी यार कमेंट करके बता देना। सो गाइस चलिए आज का वीडियो इतना ही एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर।